इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाए। ट्यूनीशिया अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में आता है जहाँ का रहन सहन की एक यूरोपीय देश के साथ तुलना की जा सकती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्यूनीशिया अफ्रीका के उन देशों में आता है जहाँ की समुद्र तट और लग्जरी लाइफस्टाइल लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। तो आज हम आपको ट्यूनीशिया के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसके एक तरफ अल्जीरिया और दूसरी तरफ लीबिया आता है। सहारा मरुस्थल के पास बसा ये देश बहुत ही छोटा देश होने के बावजूद काफी विचित्र माना जाता है और यहाँ के बीच का नजारा काफी रोमांचक होता है। ट्यूनीशिया के ज्यादातर लोग ऊंट का मांस खाना काफी पसंद करते हैं। शादी के बाद ट्यूनीशिया में लड़कियां अपने बच्चे का नाम अपने सरनेम के अनुसार रख सकती हैं, जो कि दुनिया के बहुत कम देशों में लागू किया जाता है। भारत में जहाँ एक तरफ लाल साड़ी को शादियों में इस्तेमाल करते हैं, वही दूसरी तरफ ट्यूनीशिया में इसे पति के मरने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूनीशिया का मदीना शहर काफी पुराना माना जाता है और यहाँ पर लगभग 700 से भी अधिक महल, मस्जिद और ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। ट्यूनीशिया एकमात्र देश है जहाँ पर लड़कियों के प्रति घरेलू हिंसा के कानून को अपराध का दर्जा दिया गया है। ट्यूनीशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ट्यूनिस शहर है, जो कि अफ्रीका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक गिना जाता है। प्राचीन समय में ट्यूनिस रोमन साम्राज्य का लगभग 800 सालों तक हिस्सा रहा और इस समय के दौरान ट्यूनीशिया के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन आज के दिनों में ट्यूनीशिया में लगभग ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं।